तो बड़ी कंफ्यूजन में है। सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है। ढाई घंटे बात की, लॉन्गेस्ट शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था, मगर उसमें कुछ था नहीं खोखला। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है। वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे, क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? ये इस दशक का सबसे दिवालिया बजट है। क्यों कह रहे हैं? इस दशक का पहला दिवालिया बजट इसलिए है कि बैंक्स खत्म हो गई, आपको पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी, लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। सरकार सच्चाई से गरीबों की, किसानों की मदद करे। कितना नंबर देंगे इस बजट? क्योंकि पिछले जो बजट आए हैं $5 trillion की इकोनॉमी की बात करते थे, इस बजट में तो $5 trillion इकोनॉमी की बात नहीं हुई, तो क्या नंबर उम्मीद करेगी सरकार? देखिए, ये बजट कम है, ये चुनावी भाषण ज़्यादा था, और इसमें उन्होंने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जुबले सुनाए हैं। तो ये कुल मिलाकर ये बजट जो आया है समझ के बाहर है। जिन उम्मीदों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा मौका दिया था, ये बजट निराश करता है देश के आम आदमी को, किसान को, युवा को, महिलाओं को, व्यापारी। इसमें से कितने नंबर? नहीं, इसमें नंबर देने लायक कुछ है नहीं।